लगातार हो रही बारिश का कहर अब जनमानस पर भी दिखाई दे रहा है। मकानों की स्थिति अब खराब होती हुई नजर आ रही है। इसी दौरान मथुरा में तेज बारिश के चलते एक गरीब किसान का मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें वह और उसकी बुआ समेत गंभीर रूप से मलबे में दब गया। ग्रामीणों ने जैसे तैसे मलबे से दोनों को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला गोवर्धन के नीम गांव का है, जहां कई दिनों से लगातार हो रही बरसात से गेलुआ नामक गरीब किसान का कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें गेलुआ और उसकी बुआ नन्नो गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने दोनों को जैसे तैसे मलबे से बाहर निकाला। वहीं ग्राम प्रधान जुगल पटेल ने इसकी सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दी, तो वहां से तत्काल एम्बुलेंस गांव पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले आई, जहां दोनों को प्रथम उपचार दिया गया, मगर नन्नो की हालत नाजुक दिखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिसोदिया ने बताया कि नन्नो की हालत नाजुक है और उसे अंदरूनी चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसे मथुरा रेफर किया गया है। डीडी शर्मा, मथुरा समाचार 24। मथुरा में